महेश बाबू और एसएस राजा मौली की अपकमिंग फिल्म SSMB 29 को लेकर के हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। कभी इस फिल्म की शूटिंग को लेकर के, तो कभी इस फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर के, और कभी इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर के हमें हर रोज महेश बाबू और एसएस राजा मौली की SSMB 29 फिल्म पर अपडेट देखने को मिलता है। और डायरेक्टर एसएस राजा मौली ने ये बहुत पहले ही अपने इंटरव्यू में क्लियर कर दिया था कि डायरेक्टर राजा मौली अपनी इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो पब्लिक को ऐसा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस ना चाहते हैं जो आज से पहले किसी भी फिल्म के अंदर पब्लिक को नहीं मिला है। और एसएस राजामौली की इस फिल्म को लेकर के मार्केट के अंदर बहुत सारी थ्योरियां चलती रहती हैं। और अब पब्लिक का अंदाजा है कि डायरेक्टर एसएस राजामौली जो अपनी इस फिल्म को अलग और यूनिक बनाने के लिए कुछ अलग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर एसएस राजामौली जो महेश बाबू के साथ मिलकर फिल्म बना रहे हैं वो एक ग्लोबल लेवल की फिल्म होगी जिसके अंदर हमें भयंकर एडवेंचर देखने को मिलेगा। और इसके लिए एसएस राजामौली अपनी इस फिल्म को बहुत सारी अलग अलग लोकेशन पर शूट करेंगे। और राजा मौली की ये फिल्म जो कि उनकी पुरानी फिल्मों से बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है, और इस फिल्म के अंदर हमें हैवी सेट्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे आमतौर पर एसएस राजा मौली की फिल्मों में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म के अंदर एसएस राजा मौली जो अपनी इस फिल्म के लिए नेगेटिव किरदार को लेकर भी काफी सीरियस नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इस फिल्म में किसी भी टिपिकल विलन को लेना नहीं चाहेंगे। और इस फिल्म के विलन के किरदार के लिए एसएस राजा मौली ने बहुत सारी कास्टिंग देखी है, और पिछले कुछ टाइम में पृथ्वीराज सुकुमारन को इस फिल्म के विलन के किरदार के लिए फाइनल किया गया था। और एसएस राजा मौली की अब इस फिल्म में महेश बाबू के सामने पृथ्वीराज सुकुमारन अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। और एसएस राजा मौली की ये फिल्म जो कि मॉडर्न समय के ऊपर बेस्ड होने वाली है, और इसी के साथ इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस RRR और बाहुबली फिल्म से भी बड़े एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं। और इसके साथ राजा मौली की इस फिल्म में पजल सॉल्विंग सीक्वेंस को भी दिखाया जाएगा जिसकी वजह से ऑडियंस इस फिल्म से लगातार बंधी रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म के अंदर महेश बाबू का किरदार इंडियाना जोन से मिलता जुलता हो, एक ऐसा सक्सेस जो आसपास हो रही अजीब गरीब चीजों को सोल्व करना चाहता हो। और एसएस राजामौली की इस फिल्म को लेकर ये सारी थ्योरियां चल रही हैं मार्केट के अंदर, लेकिन रियलिटी में SSMB 29 फिल्म की कहानी क्या होगी और उस कहानी को कैसे राजामौली हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे ये तो अभी एसएस राजामौली ही जानते हैं। लेकिन बाहुबली और RRR फिल्मों के बाद पूरी दुनिया जो एसएस राजामौली की अगली फिल्म को देखना चाहती है, तो देखते हैं कि एसएस राजामौली की आखिरकार ये फिल्म कैसी निकल कर आती है, और क्या एसएस राजामौली की ये फिल्म भी उनकी पिछली फिल्मों की तरह ब्लॉकबस्टर बन पाती है, या फिर एसएस राजामौली की ये वाली फिल्म जो कि ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आती है। आपकी इसके ऊपर जो भी राय हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और इस फिल्म के अंदर हमें हैवी और इस फिल्म के अंदर हमें